स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकालकर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस उसी की शाम से मैंने इस व्लॉग को स्टार्ट भी किया है। ये आती है ना ऑनलाइन से, ये इतना डरती है ना एस्ट्रो से, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। वो छुप के रहती है कि क्या रिटर्न का है, क्या है, मतलब इतना डरती है कि गेट के पीछे छुप जाती है। फिर बोलती है कि जो रिटर्न का है वो आप दे दीजिए, बट गेट लॉक कर दीजिए। वही मैं हंस रही हूँ कि अभी एस्ट्रो सो रहा है। तो ये लड़की ऑनलाइन से सामान लेकर आती है और एस्ट्रो से हद से ज़्यादा डरती है। जब भी आती है तभी गेट के पीछे छुप के ही रहती है कि आपको सामान या तो रिटर्न देना है तो दे दो, और या सामान है तो वहीं से लेके पैसा दे दो, इतना डरती है। और ये प्याज मैंने कूट ली थी तो इसका रस निकाल के डाल रही हूँ आंचल के कान में। इसको थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिसकी वजह से इसके कान में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो प्याज का रस अगर 3-4 बूंद डाल दो तो 5-10 मिनट में ही, अगर कान में दर्द है, अगर ज़्यादा दर्द भी है तो प्याज के रस से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे। मैं स्टार्टिंग से ही बच्चों का अगर दर्द होता है तो ये प्याज का रस ही डालती हूँ, जिससे काफ़ी जल्दी आराम पड़ जाता है। तो बस इसके मैंने दोनों ही कान में ये रस डाल दिया था प्याज का। उसके बाद में हो रही है शाम, तो यहाँ जलाई मैंने मंदिर की लाइट, और मेरी हाउस हेल्पर भी आधा पौन घंटा पहले से ही आ चुकी थी जो कि किचन क्लीन कर रही थी। और उसके बाद में बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ हमारा डिनर एंड ऑल सब कुछ हो चुका है, और जो थोड़े बर्तन डिनर के बाद हुए हैं बस वही मैं क्लीन कर रही हूँ, और किचन काउंटर गैस वगैरह सब कुछ मैंने इससे पहले क्लीन कर लिया है। और यहाँ क्लीन करने के बाद फिर मैं और आंचल लेके गए हैं एस्ट्रो को नीचे, और अभी थोड़ा कम ही ले जाना हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से पूरा कीच कादा रहता है नीचे, तो ज़रा कम ही जाना हो रहा है। बट इस दिन मतलब थोड़ा रोड सूखा सूखा ही था तो इसको अच्छा खासा हमने वॉक कराया है नीचे। और ये सारे बर्तन धोने के बाद में डेली रात का ये मेरा काम है, जो किचन के ये कपड़े रहते हैं, तो एक बर्तन पोछने का है और एक काउंटर और गैस वगैरह क्लीन करने का। तो मैं किचन में जो सर्फ रखती हूँ, डेली रात को मैं दोनों ही कपड़े अच्छी तरीके से सर्फ से धो करके और सुखा देती हूँ। तो इससे क्या है, थोड़ा साफ़ सफाई बनी रहती है, और जैसे चिकटता है ना कपड़ा पोंछते पोंछते, वो चीज़ नहीं होती है। बस नीचे जाने का है ना, इसलिए आश्रम में कहाँ जा रहे हैं? चलो 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 चलो, सबसे पहले भागेगा वो। चलो 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 चलो। दुश्मन खड़ा है ये, दुश्मन एस्ट्रो का दुश्मन। पंगे
तीन चार दुश्मन आ गए थे एस्ट्रो के। हमारा एस्ट्रो पीछे नहीं है, लड़ रहा था उनसे। सो यहाँ करीब करीब हम लोगों ने 45 मिनट तक वॉक की है। अब क्या है कि एस्ट्रो को जैसे हम वॉक कराने ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जो वॉक होती है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एस्ट्रो फिर थोड़ा थक जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर जगह जगह रुकता है, तो इस वजह से उस टाइप की वॉक नहीं हो पाती है। बट हाँ, वॉक तो हो जाती है। यहाँ हम लोग वॉक करके वापस घर गए हैं। और देखिए, अगर आपके घर में केला यानी कि काला पड़ गया है या गिलगिला हो गया है, हो ही जाता है, तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो या तो उसका आप शेक बना लो दूध और मेवा वगैरह डाल के, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी आपके साथ एक रेसिपी को मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये तीन केले जो हैं ये काले से पड़ गए थे, तो इसको मैंने फ्रिजर में रख दिया था 2 से 3 घंटे पहले। मैंने आपको गिरा के इसलिए दिखाया कि बिल्कुल पत्थर हो रहा है फ्रिजर में रखा, तो बस इसको मैं छील ले रही हूँ। और आप इसको बनाना मूज भी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक मतलब उसी टाइप का है ये। बट हाँ, इतना अच्छा बनता है, विदाउट शुगर है और काफ़ी अच्छा टेस्टी बनता है, तो बच्चे क्या बड़े भी पसंद करेंगे इसको। और बस तीन केले को मैंने पीसेज में कट कर लिया है, जार में डाला है, थोड़े से काजू, थोड़ा सा मैं बादाम डाल रही हूँ, आलमंड्स, और ये कोको पाउडर है। अब इसको मैं तो बोलूँगी कि मैंने 2 चम्मच डाला है, आप 1 ही चम्मच डालिएगा। और मैंने हनी भी थोड़ा कोको पाउडर के हिसाब से कम डाला है, क्योंकि कोको पाउडर में थोड़ा कड़वाहट होता है। और एक छोटा कप के करीब, आधा कप आप समझ लीजिए, ठंडा दूध ही डाला है, पका हुआ है। और कुछ बूंदें मैंने डाली हैं वनीला एसेंस की। तो यहाँ अच्छी तरीके से मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको चला दिया है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये पिस गया है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। तो किसी भी आप इस तरीके के बर्तन में ले लीजिए, और ऊपर से अगर आपके पास में क्लिंग फिल्म है तो उसको लगा दीजिए। इस वक्त मेरे पास नहीं था, तो मैंने फॉइल जो है ये एल्युमिनियम फॉइल, तो इससे मैंने कवर करके अच्छी तरीके से फ्रिज में लगा दिया। इसको 6 घंटे रख लीजिए, 5-6 घंटे, तो ये सेट हो जाता है। मैंने ओवरनाइट के लिए ही रख दिया था। और बस सोने जाऊं उससे पहले यहाँ पे मैंने भिगोया है 1 ग्लास में, ये सौंफ भिगो रही हूँ आंचल के लिए, और जीरा भिगो रही हूँ मैं अपने लिए, जो हम सुबह छान के पीते हैं। और यहाँ आलमंड्स और अखरोट वगैरह जो भी मैं रात को भिगोती हूँ, सब भिगोने के बाद एंड लाइट्स ऑफ करके मैं चली गई थी सोने। मिलूंगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सुबह के जो काम है वो काफ़ी कुछ काम करके मैं यहाँ पे नहा ली थी, और ये कपड़े सारे सूख गए हैं, तो बस इनको मैं अपने रूम में ही रख देती हूँ, और बाद में तय बनाऊंगी। उस स्टैंड को मैं उठा के रखती हूँ बालकनी में, और उसके बाद में फिर मैंने की है पूजा। और पूजा करने के बाद में मैंने वन ऑफ माय फेवरेट सब्जी बनाई है, दिखाती हूँ अभी आपको। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मेरी जो फेवरेट सब्जी है वो है मूंग दाल की बड़ी, बोलते हैं हम लोग। अब उड़द दाल की जो बड़ी होती है वो मतलब सारी ही दुकान में आप समझ लो मिल जाती है, वाइट होती है, बट जो मूंग दाल की बड़ी है ये मैं बड़े बाज़ार से लेकर के आती हूँ। तो इसके लिए मैं मसाला कर रही हूँ, बोल खांसी का एकदम बढ़िया सा सिरप दे के जाइए ज़रा। ये तो एलर्जी कॉफ भी होता है, जिसमें गले में हल्की सी खुजली सी होती है, वैसा है क्या? मेरे को वही है। हाँ, तो एलर्जी कॉफ की सिरप अलग आती है, दे देंगे बोलने से। तो एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 बड़े टमाटर, और थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर। ये इतने सिंपल से मसाले से ही बढ़िया सब्जी बन जाती है, और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। और मिक्सर ग्राइंडर जो है इसका काम डेली आई थिंक दोनों टाइम ही पड़ता है, तो जूस बनाना है तो भी मिक्सर ग्राइंडर काम आता है, मसाला पिसता है, बहुत कुछ पिसता है। तो डेली मैं जितने बार इसको यूज़ करती हूँ उतने बार मैं इसको बढ़िया तरीके से अंदर से बाहर से पोंछ के रखती हूँ।
और उसके बाद में फिर यहाँ मैंने तैयारी की है चाय बनाने की। तो सबसे पहले मैंने मसाला पीस लिया था, क्योंकि अब क्या है कि दुर्गा पूजा का टाइम आ गया है, तो बार बार थोड़ी थोड़े समय में लाइट चली जाती है। तो मैंने सोचा पहले मैं मसाला पीस लूँ, उसके बाद में मैं चाय बना के नाश्ता करूँगी और फिर मैं चढ़ाती हूँ सब्जी। तो यहाँ मैंने थोड़ी ज़्यादा सी अदरक डाल के चाय बनाई है। आंचल को थोड़ी सर्दी हो गई है तो मैंने बोला थोड़ी सी चाय तू भी पी ले, अदरक और लौंग डाल के मैं बना रही हूँ। तो यहाँ बना के चाय और मैंने अपने और आंचल के लिए छान के चाय निकाली है। और अभी क्या है ना कि मौसम अभी कुछ इस तरीके का चल रहा है कि अभी बारिश है, थोड़ी देर के बाद में धूप है, तो ये सर्द गर्म जो है इससे ये वायरल जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादा फैलते हैं। खास करके अभी मैं देख रही हूँ आए दिन सबको सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस अभी मैं ये मतलब शाम के टाइम पे भी मैंने चाय बनाई थी, तब भी आंचल को मैंने थोड़ी अदरक वगैरह डाल के चाय पिलाई, और अभी ये उसको मैंने चाय बिस्किट दिया, फिर मैंने भी नाश्ता किया और उसके बाद में फिर से मैं दोबारा से किचन में आई हूँ और यहाँ बना रही हूँ आलू बरी की सब्ज़ी। और मैंने बनाया था साथ में बूंदी का रायता। तो किसी भी दाल सब्जी के साथ में अगर थाली में रायता ऐड हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि मील कंप्लीट एकदम। मुझे स्पेशली रायता बहुत पसंद आता है और पालक का रायता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बस अब मैं लगती हूँ अपने काम में। सो चलिए मसाला भी पिस गया, कढ़ाइया मैंने चढ़ा दी है, डाल दिया है सरसों का तेल और यहाँ निकाल रही हूँ बरी। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं, वैसे छोटी छोटी भी मिलती हैं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है और इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। तो इसको बिल्कुल मीडियम या फिर स्लो गैस पर ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने लगती है और थोड़ी देर तक इसको फ्राई करना होता है जब तक इसमें थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए। वैसे ये वाली जो बरी है इसमें पहले से ही थोड़ा जैसे कलर है, और नॉर्मल वाली जो छोटी छोटी आती है वो पूरी येल्लो आती है, मूंग दाल की बरी। और उसी तेल में मैंने डाल दिया है आलू। तो आलू के साथ में मैंने इसको बनाया था, वैसे बरी आलू का ही एक कॉम्बिनेशन होता है और बैंगन वगैरह के साथ भी बनाया जाता है इसको, बट हम लोगों ने शुरू से ये आलू बरी की सब्ज़ी ही खाई है तो अच्छी भी लगती है। दोबारा से थोड़ा सा तेल मैंने ऐड किया है, गर्म हो गया है, तो दो तेज़पत्ता और जो मसाला मैंने पीसा था बस उसको मैंने डाल दिया है। अभी मसाला भुना नहीं है तो मैं इसी टाइम पर डाल रही हूँ सिर्फ आलू। तो आलू और मसाला और भी अच्छी तरीके से भुन जाएंगे और सब्जी जल्दी बनेगी इससे, तो इसमें कच्चापन कुछ भी नहीं रहेगा। अभी इस मसाले को अच्छे से भुनना है ताकि ऑयल रिलीज़ हो जाए और अच्छे तरीके से मसाला भुन जाए। तो तब तक मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम गैस कर दिया है। और यहाँ मैं नीचे बैठी हूँ क्योंकि आज हमारे सोसाइटी में सब्जी वाले भैया आए थे, तो आलू प्याज ये सब थोड़ा ख़त्म हो गया था। जब मैं बाज़ार करने गई थी दो दिन पहले तो वहाँ से मैंने आलू प्याज नहीं ख़रीदा था, क्योंकि एक तो हाथ में बहुत ज़्यादा लोड हो गया था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है एक दो दिन के बाद में सब्जी वाले बैठेंगे तो उन्हीं से ले लूँगी। तो बस यहाँ ला के और ये मैंने बास्केट में लगा दिया है और बस इसके बाद में मैं चेक करूँगी सब्जी को। मसाला और आलू दोनों ही यहाँ बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है, तो डाल रही हूँ हिसाब से पानी। अब ये जो आलू है ये भी बहुत ज़्यादा ग्रेवी को सोखता है और बरी इससे भी ज़्यादा सोखती है, तो पानी उसी हिसाब से डालिए। और हिसाब से डाल रही हूँ मैं नमक। तो गैस को मैं कर दूँगी अभी स्लो और ये पकेगी, क्योंकि आलू अभी थोड़ा कच्चा ही है, बस थोड़ा भुन गया है मसाले में और जो फ्राई किया था बट अभी पकना बाकी है। तो इसको मैंने स्लो पे करके छोड़ा। और यहाँ पे मैंने ले ली है 150 से 200 ग्राम ये दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं है, तो बस इसको मैंने मथ लिया है मथनी से। और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा हिसाब से पानी, और रायता को मैं थोड़ा गाढ़ा ही बनाती हूँ। और जो बूंदी है वो भी बेसन की है, तो ये पैकेट वाली बूंदी है, ये घर में बनाई हुई नहीं है, रायता बूंदी जो मिलती है बस वही डाल रही हूँ मैं। हिसाब से डाला है मैंने नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और मिक्स करके इसमें डालूंगी मैं हाफ कटोरी के करीब बूंदी। तो बूंदी भी इसको बहुत अच्छे से सोख लेगी, तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ ये सोख तो लेती है। तो बस इसको मिक्स करके ऊपर से अभी धनिया डाल रही हूँ, और जब खाना मैं परोसूंगी खाने के लिए उस टाइम पे इसमें मैं लगाऊंगी छौंका। वैसे ये बिना छौंके के भी ये रायता अच्छा लगता है, और छौंका लगा दो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको 10 से 15 मिनट स्लो गैस पे पकाने के बाद में यहाँ मैंने चेक किया है आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं और बरी भी पक गई है। तो डाला है मैंने हरा धनिया, इसमें मैं गर्म मसाला नहीं डालती हूँ। और ये सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन बोलते ना, बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ में।
तो बस सब्जी भी बन गई थी, रायता भी बन गया था, और यहाँ मैंने ये काली मिर्च मंगाई थी ये ख़त्म हो गई थी। तो खांसी अगर हो तो एक दिन में 2 से 3 बार अगर आप मुंह में 3-4 काली मिर्च हल्का सा दांत से प्रेस करके अगर चूसते रहते हैं तो उससे खांसी में बहुत ज़्यादा आराम पड़ता है। अगर खांसी हो किसी को तो उसको भी बताइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है और ये बहुत वर्क करता है। बस इसमें मैंने लगाया है ज़रा सा घी, जीरा और हींग का छौंका, और यहाँ लगा रही हूँ ये प्लेट, तो ये मैं अपने लिए ही लगा रही हूँ। तो आलू बरी की सब्जी है, रायता है और ये 2 रोटी, ये मेरा ही खाना था। और बस उसके बाद में सारा काम दोपहर का करके काउंटर को मैंने क्लीन किया है, क्योंकि उसके बाद फिर हाउस हेल्पर आके सारा बर्तन वगैरह करेगी ही। बस इसके बाद मैंने थोड़ा लेट के आराम किया है 1.5 घंटा, और उसके बाद उठ के मैं आपको दिखाऊंगी कि जो बनाना मूज मैंने जो जमाने के लिए फ्रिज में रखा था तो वो कैसा जमा है। तो इतना बढ़िया जमा था, और इसको फ्रिजर में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, एक डेजर्ट का काम करता है ये। ये देखिए बिल्कुल पीसेज में कट होके निकलेंगे। अब इसके ऊपर आप जो चॉकलेट सिरप होती है वो भी आप डाल सकते हैं, और कोको पाउडर को स्प्रिंकल कर सकते हैं, और पाउडर शुगर जो होती है उसको आप बुरक सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप खा सकते हैं, वैसे ये ऐसे भी अच्छा लगता है। आई होप कि आज की रेसिपी एंड ब्लॉग दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।